एक ही झटके में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को रोजगार दिया गया। हालांकि सरकार को इसकी वजह से 1717 करोड़ प्रतिवर्ष और कमाने पड़ेंगे। बिल्कुल विजय, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला है जो युवाओं को रोजगार देने का, जो बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया था, उसी के क्रम में आज ये घोषणा की गई है। 31,000 तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है उनकी भर्ती का फैसला किया गया है। 2020-21 की जो बजट भाषण था उसमें मुख्यमंत्री ने कुल 53,000 पदों की भर्ती की बात कही थी। इनमें से 41,000 पद जो है वो शिक्षा विभाग के हैं, यानी कुल 53,000 भर्तियों में से 41,000 शिक्षा विभाग के हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने जो 31,000 जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनके संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था जिस पर मंजूरी दे दी है। तो अगर शुरुआती 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सरकार पर करीब 850 करोड़ रुपए का भार आएगा और उसके बाद हर साल जो है वो 1700 करोड़ से अधिक का भार आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 282 क्रमोन्नत जो स्कूल जो क्रमोन्नत किए थे उनके लिए भी करीब 2500 जो अस्थायी पद है उनके सृजन की मंजूरी दे दी है। यानी एक बड़ा फैसला जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। और ये भर्ती है उसमें कहा जाता है कि जो रीत की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ये भर्ती भी हो जाएगी। तो एक जो लगातार मांग थी भर्ती की जो मांग उठ रही थी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, तो ये घोषणा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी की है। और जल्द ही प्रदेश के जो हजारों जो बेरोजगार है, जो शिक्षित बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा। और खासकर शिक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हो, लगातार जो बालिकाओं के लिए कॉलेज खोलने की बात हो, तो शिक्षा का विकास राजस्थान में हो इसके लिए जो भी जरूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। इस घोषणा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैसेज दिया है। अच्छा नरेश, जो 31,000 पदों पर भर्ती होनी है इसका कोई टाइमलाइन है कि इतने वक्त के अंदर इसको पूरा करना है? देखिए, यही कहा गया है कि जो रीट की परीक्षा होगी उसके बाद ये भर्ती भी होगी। देखिए, घोषणा हो चुकी है इसका मतलब अब जल्द प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके लिए विज्ञापन होगा, फिर आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद जो नियुक्ति दी जाएंगी। तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें एक न्यूनतम समय लगता है वो लगता है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिसका इंतजार था चूंकि बजट घोषणा थी और उस बजट घोषणा को पूरी करने की मांग लगातार हो रही थी, तो ऐसे में आज ये घोषणा जो बजट घोषणा के अनुरूप जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनकी भर्ती की जाएगी। तो बड़ा तोहफा है, दिवाली से पहले का ये तोहफा कहा जा सकता है इसको। तो देर सवेर भले ही जो प्रक्रिया में जो टाइम लगे वो लगेगा, लेकिन जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अच्छा नरेश, ये भी जानना चाहेंगे कितने वक्त से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी जिस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है विजेंद्र, ये बजट घोषणा थी जिसमें कहा गया था कि चूंकि स्कूलें नहीं खुलती है, रिक्त पद होते हैं और नए स्कूलों इसके अलावा स्कूलों का क्रमोन्नयन किया गया था, तो ऐसे में पदों की जरूरत होती है और जितने पद की जरूरत होती है तो अनुमान लगाया गया था कि इतनी भर्ती है वो हमें करनी है। और चूंकि स्कूलें बढ़ी है, स्कूलें खुली है और इसके अलावा जो रिक्त पद हुए हैं उसके कारण से जरूरत थी, तो उस प्रक्रिया के तहत जो जरूरत थी उसके हिसाब से ये भर्ती की जा रही है। कहीं अटकने जैसा कोई मामला नहीं है कि पहले कोई घोषणा कर दी हो और उसको वो रुक गई हो। ये बजट घोषणा का पार्ट है, बजट घोषणा हुई थी क्योंकि उसके बाद कोरोना काल आ गया था तुरंत, तो ऐसे में प्रक्रिया संभव नहीं थी करानी। और चूंकि सरकार का ध्यान भी पूरी तरह से कोरोना पे आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जितने भी जो बजट घोषणाएं जो सरकार की रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उनको एक के बाद एक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल नरेश, इसके अलावा भी आप एक 2500 का आंकड़ा दे रहे थे, वो किस चीज की भर्ती है? देखिए, जो करीब 282 के आसपास जो स्कूल क्रमोन्नत किए गए थे, उन क्रमोन्नत करने के कारण से फिलहाल जो ये कहा जा सकता है कि जो जरूरत है स्कूलों में, तो अस्थायी जो पद है उनको सृजित किया गया है। अस्थायी शिक्षकों के पद है जिसमें प्रधानाध्यापक भी है, वरिष्ठ अध्यापक भी है, अन्य अध्यापक भी है, तो ये एक अस्थायी पद सृजित किए गए हैं जिनको लेके भी जल्द ही जो यहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाएगी, ताकि जो अभी स्कूलें जो क्रमोन्नत हुई है जहाँ रिक्त पद है, जब तक स्थायी रूप से अध्यापक ना आ जाए जिनकी भर्ती के माध्यम से, तब तक ये काम है वो करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बेरोजगारों को दिया गया, लेकिन आज